अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए ये झुमका इयररिंग है, कैसे बनता है देखते हैं बना के। बहुत प्यारा सा झुमका है ये, बहुत मस्त लग रहा है। ये 8 नंबर मोती पल है, ये 6 नंबर है पल मोती, ये 11 जीरो बीड्स है, ये 15 जीरो बीड्स है, ये हुक और रिंग है, ये 9 नंबर सुई और कॉटन धागे से बनाना है। ये देखिए दोस्तों, 5 मोती, 8 नंबर 5 मोती और 5 बीट लेके स्टार्ट करना है। इसको लेके गीठ लगा देने का, अभी उसी पोत के बाजू में एक एक पोत और डालना है दोस्तों। ये 11 जीरो, ये 11 जीरो बड़ा साइज का दाना है, एक एक और मोती के बीच में डालना है। दोनों पोत बाजू बाजू मेरे ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही बनेगा। ये बारीक वाला दाना जो है उसको यहाँ अपने जरी लाइन में पोत बोलते हैं और इंग्लिश में बीड बोलते हैं, और मोती को पल भी बोलते हैं इंग्लिश में और बीड भी बोलते हैं। इसके लिए दोस्तों कभी कभी बीड बोल देते हैं, कभी कभी पल बोल देते हैं। ये देखिए, ये 8 बीट से स्टार्ट, ये ऊपर मोती पे डालना है, 8 बीट लेना है, 8 बीट 8 पोत लेके मोती पे लगाने का। ये देखिए मोती के ऊपर 8-8 पोत ये लग गया, फिर उसके दोनों मोती के बीच में एक एक पोत नीचे छोड़ के 3 पोत ऊपर लगाना है। तो ये मोती के ऊपर जो पोत है वो 6 पोत में सुई डालने का है, एक एक पोत नीचे छोड़ना है, तो ऊपर जो है 6 पोत में सुई पहना पहना के उसको डाल देने का।
दोस्तों ये तीन पोत लेने का है, एक मोती एक पोत। फिर उसी तीनों पोत में सुई डाल के आगे तीन पोत में सुई और फिर डालने का, ये लटकन बन जाएगा। अभी हर तीन पोत में सुई डाल के लटकन लगाना है, जहाँ से सुई निकालें फिर वहीं पे सुई डालना है, तभी ये लटकन सही से लटकने वाला बनेगा। ये देखिए हर तीन पोत में लटकाना है, हर तीन पोत पे लटकाना है। देखिए दोस्तों ये लटकन पूरा लटक लग गया। अभी ऊपर साइड का काम करना है। अभी 9 बीट्स लगाना है। ऊपर साइड लगाएंगे मोती के बीच में जो दो दो पोत पड़ा हुआ है, और नीचे लटकन वाले में एक लग गया, एक इसमें लगाना है। ये 9 पोत जो लगाना है उसी में इसको फंसाना है मोती के ऊपर। ये हर मोती पे लगाने के बाद में अभी आपको एक एक मोती लगाना। चार चार नीचे छोड़ने का, ऊपर एक पोत में फंसाने का। दोनों बाजू चार चार बीड छूटेगा, बीच में एक एक बीड में फंसाने का। देख के दोस्तों आसानी से बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना, कोई हार्ड नहीं है, आराम से बन जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा बनाएंगे। आप और भी कलर में बना सकते हैं जो कलर अच्छा लगे, या आप लोग को जो कलर का चाहिए रहेगा कि बना के दिखा दो तो बताएंगे, कमेंट करेंगे तो वो कलर का भी बना के दिखा देंगे आप लोग को, जो कलर आपको देखना रहेगा। अब चाहिए रहे दोस्तों तो भी अब अगर नहीं बना सकते हैं तो मंगा सकते हैं, मिल जाएगा आपको, बना के मिल जाएगा। माँ बहने भी के लिए ये है, उन लोग देख के बना भी सकते हैं, चाहिए रहेगा तो मंगा भी सकते हैं, कोई भी देख के बना सकता है पहनने के लिए। अभी ये ऊपर दोस्तों एक एक सिंगल सिंगल पोत लगेगा, जो ये
छोटे मोती में पांच पांच पोत लगा, जो मोती डाले हैं उस पर पांच पांच पोत लगाना है, जैसे नौ नौ पोत उधर लगाए थे वैसे इसमें पांच पांच पोत लगाना है छोटे मोती में। और उसके बाद में ये सिंगल सिंगल 11 जीरो बड़े दाने वाला पोत लगेगा। पांच लगाए हैं तो दो दो नीचे छोड़ के बीच में एक सिंगल सिंगल पोत में इस लगाना है। अब अभी ये ऊपर एक मोती लगेगा, तीन पोत नीचे ले लगा लेना है, तीन पोत ऊपर लेना है। अभी जो ये जो सिंगल पोत फंसाए हैं उसी के बाजू में एक एक पोत में इसको फंसाना है। ऊपर ये चार पोत डाल के तीन पहले से डालें, फिर उसके ऊपर और डालने, फिर उसमें एक एक पोत हर पोत के बीच में फंसाना है तो ये चौकड़ी बन जाएगी। ये स्क्वायर टाइप बन स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को नया नया रोज ऐसे देखने मिलेगा, दोस्तों आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया कर दीजिएगा। इससे क्या है आप लोग को नया नया रोज देखने मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत प्यारा सा झुमका बनेगा दोस्तों, ये रेडी हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इसमें इसके अंदर लटकन एक लगा देंगे दोस्तों तो और खूबसूरत बन जाएगा। ये 25 बीड लेना है, 25 पोत।
25 पोत लेना है, एक 8 नंबर मोती, फिर एक पोत नीचे रोकने के लिए 11 0, ये बड़ा दाने वाला पोत लगाना है इसमें नीचे मोती में। हेलो दोस्तों, ऊपर में हुक लगा के इसको रेडी हो जाएगा। हुक लगा देंगे तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।